अब खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां दहेज लोभियों की एक और करतूत सामने आई। दरअसल सादुलपुर के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले दीपू सांसी की बेटी प्रीति की शादी 26 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन प्रीति के ससुराल वालों ने ठीक शादी से पहले कार की डिमांड कर दी और बारात लाने से साफ इनकार कर दिया। पिता दीपू सांसी ने बताया कि उनकी बेटी प्रीति का रिश्ता चिड़ावा के सचिन चतराण के साथ किया गया। पूरे घर में बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी कि तभी बेटी के ससुराल पक्ष ने कार देने की मांग की और मना करने पर बारात लाने से साफ इनकार कर दिया। वहीं जब रिश्तेदारों ने आपसी समझाइश की तो ससुराल पक्ष ने दूल्हे की बजाय उसके बड़े भाई से दुल्हन की शादी करवाने की शर्त रख दी। ऐसे में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उचित कार्रवाई की मांग की है। तारीख की आज की बारात आने का तारीख डेट थी सर जी, वो बड़े लड़के की मांग करती, बोला बड़े लड़के की बारात लेके आ रहा हूँ, छोटा लड़का भाग गया है। अब बाबू जी मैंने तो लड़के छोटे से सगाई करी थी, ब्याह मंडाई करी थी, अब बड़े के लिए थोड़ी करी थी, उसने मेरे साथ धोखा किया सर। दहेज में क्या मांगे? दहेज में वो कार मांगने की मांग कर ली, अब मैं कहाँ से दूँ साहब, इसलिए लड़के को साइड में कर दिया कि छुपा दिया क्या कर दिया, उसकी की चाल है सर, हमारा कोई रोल नहीं है, तो तैयार थे सर, सब कुछ तैयारी हो गई थी हमारी तरफ से, मेहमान भी आ चुके। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।